हमने किताबों में पढ़ा है कि जब शबे कदर आती थी ना, मगरिब के बाद लोग कांपने लग जाते थे। शबे बरात वाले दिन मगरिब के वक्त लोगों पर राशा तारी होता था, हाय क्या बनेगा। लोग माफियां मांगते थे और स्टाइल ये होता था कि दरवाजों पर दस्तक देते थे, जाकर दस्तक देते थे, कहते थे यार मेरा कोई अंदाज तुम्हें कहीं बुरा तो नहीं लग गया, कोई बात तो नहीं मेरी तुम तक पहुंची, मुझे माफ कर देना, आज शबे कदर की रात है। और फिर मस्जिदों में लोग आते थे तो नेक लोग, परहेजगार लोग, अल्लाह तबारक व तआला के पाक बाज बंदे, जिनके लिए गुमान भी नहीं कि वो कोई कबीरा जुर्म का इर्तकाब करेंगे और फिर उस पर डटेंगे, वो लोग भी रोया करते थे। मैं और आप बड़े मस्त हो गए, रस्म सी महसूस होती है अब हर महफिल हर मजलिस महसूस ऐसे होता है कि जैसे वो जौक वो तड़प वो शौक जिस आदमी के फराइज भी मेरी तरह पूरे नहीं, नमाजें भी पूरी नहीं, उसने भी सीधी जेब के अंदर जन्नत का टिकट डाला हुआ है, फराइज तक पूरे नहीं कर पाया, नवाफल सुन्नत वाजबात तो बाद में आएंगे, टिकट डाल के फिर रात एहसास ही कोई नहीं, पता नहीं कितने पत्थर और संग दिल हो गए हम लोग कि वो जो अंदर दर्द था ना कि यार वो कहीं एक बात एक जुमला कहीं एक लुकमा हराम का, वो कहीं फुलां जगह पे कोई बेदबी, वो लोगों पर बोझ बनते थे, उनके ऐब जुर्म खताएं, हम इतना ज्यादा बोलते हैं कि पता ही नहीं कितनी बातें करते, माल कहां से आ रहा है ये सबको पता है पर किस तरह का आ रहा है इस पर कोई तवज्जो देने को तैयार है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ले सुनार का काम करते थे, तौबा करने से पहले एक दुकान रखी हुई थी, तो आप फरमाते मैं जरा महंगा सुनार था, सबसे ज्यादा बगदाद के अंदर कीमती सोना मैं बनाता था। फरमाते मैं जब कोई सोने की नई चीज तैयार करता था तो आम आदमी के बस में नहीं होता था उसे खरीदना, तो मैं किसी वजीर के पास मुशीर के पास मालदार आदमी के पास जाता था, क्योंकि जो मैं बनाता था वो हर आदमी खरीद नहीं पाता। मिस्र के बादशाह के बारे में मुझे पता चला कि वो सोने का बड़ा शौकीन है, अपने घर वालों के लिए अपने लिए दीगर लोगों के लिए, हालांकि मर्द के लिए जायज नहीं, वो बहुत सारी चीजें सोने की खरीदता है लेता है रखता है, मुझे पता चला। फरमाते हैं कि मैंने उसके वजीर से टाइम लिया, कहा कि यार मैंने एक सोने की चीज बनाई है तो आम आदमी तो खरीद नहीं सकता, तो बादशाह से वक्त लेके दो। वजीर को मैंने तोहफे तहाइफ भी दिए जो तरीका होता है, उसको कहा मेरी मुलाकात करा, तो कहने लगा मैं तेरी मुलाकात जरूर करा देता पर आज नहीं मुलाकात हो सकती, आज तो बादशाह अपने पिछले गांव गया हुआ है। तो मैंने कहा वहां मुलाकात करा दो, इसलिए कि जो सोना मैं लेके आया हूं बड़ा कीमती है, वापस ले जाऊंगा तो रस्ते में डाकुओं का खतरा है। मुझे कहने लगा ठीक है मैं करा देता हूं। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं वो मेरे साथ चला तो मैं बादशाह के गांव तक पहुंच गया, मैंने कुछ अजीब सा मंजर देखा गांव में पहुंचकर, एक कब्र है, कब्र पर खेमा लगा है। वजीर मुझे कहने लगा यहां बैठ जाओ और इंतजार करो, यहां एक रस्म होने लगी है, जब उससे फारिग हो जाएगा बादशाह तो मैं तुम्हारी मुलाकात कराऊंगा। फरमाते मैं बैठ गया तो मैंने एक अनोखी सी रस्म देखी, जो बड़े बड़े उलमा थे ना शहर के, सबसे पहले वो आए, बड़े चोटी के उलमा फकी लोग, इल्म फन पर जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने दस्तरस अता फरमाई थी बड़े, मैं जानता था मिस्र के उलमा को, कहता वो आए और कब्र के करीब एक चक्कर उन्होंने लगाया और वो बैठ गए। अजीब रस्म देखी मैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला ने फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो मैंने सूफिया को देखा, जो अल्लाह अल्लाह सिखाने वाले लोग थे, दरवेश लोग थे, उनकी जमात आई, कब्र का चक्कर लगाया, बैठ गई। थोड़ी देर गुजरी तो अदीब शुआरा कलाम लिखने वाले लोग आए, चक्कर लगाया तो बैठ गए। फिर थोड़ी देर गुजरी तो फरमाते हैं कि सिपा सालार जर्नैल किस्म के लोग आए, हाथ में छड़ियां हैं, असला जेबे तन किया हुआ है, तलवारें नेजे पहने हुए, चक्कर लगाया बैठ गए। फिर मैंने देखा कि डॉक्टर हकीम तबीब आए, बड़े बड़े नुस्खे हाथों में, कब्र के करीब एक चक्कर लगाया तो बैठ गए। फिर मैंने देखा हसीनो जमील औरतें आईं, एक चक्कर कब्र का लगाया तो बैठ गईं। ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं अचानक
मेरी नजर चुंधे आ गई, मैं तड़प उठा जब मैंने देखा कि बादशाह ने अपने सर से ताज उतारा और अपने हाथ पे रखा। फिर बादशाह कब्र के करीब गया तो चीखे मार के रोया, इस दर्द से रोया कि दो आदमी पकड़ के खेमे में लिटाते हैं। फरमाते हैं मुझे वो, मैं जो कारोबार गया था वो मुझे भूल गया। मैंने वजीर से पूछा कि ये क्या माजरा है, मैंने इस तरह का अंदाज कहीं देखा नहीं, क्या रसम है? तो वजीर कहने लगा, बात दरअसल ये है कि बादशाह पूरे मुल्क का, मिस्र का हुक्मरान है, इसका एक ही बेटा था। दर्जनों दरबारों की हाजिरी और सैकड़ों सूफिया की दुआ और करोड़ों और लाखों लोगों को सदके और खैरात देकर दुआएं करा के बादशाह ने, कभी पूछो उस आदमी से जिसके यहां औलाद कोई नहीं, पता नहीं किस मिन्नत के साथ एक बेटा खुदा से लिया। बेटा पढ़ने लगा, तालीम में भी लायक, घुड़सवारी में भी लायक, तलवार में भी लायक, सारे उलूम फनून वफा शियार भी, इताद गुजार भी, सारी खूबियां बच्चे में पैदा हुई। फिर एक दिन बेटा रात की तन्हाई में रोया, अम्मा जी बात सुनना। अब्बा जी दौड़ के आए, कहते हैं बेटा रोया तो बादशाह और उसकी बीवी दौड़े गए, क्या हुआ? कहने लगे पेट में कोई दर्द है, यहां कुछ तकलीफ है। मिस्र से लेकर बगदाद और बगदाद से लेकर पूरे अरब के हकीम आए, समझ नहीं आई किसी को कि बेटे को दर्द कहां है। वो कहते हैं कि जिस तरह किसी जानवर के गले पे छुरी चले तो वो तड़पता है, यूं वो बच्चा तड़पा। और बादशाह और मलका के हाथों में आरजुओं का मस्कन कलमा शहादत पढ़ के इंतकाल कर गया। कहते हैं बादशाह ने यहां बेटा ला के दफन किया। साल के बाद बादशाह आता है और कब्र के गिर्द उलमा चक्कर लगाते हैं तो बादशाह कहता है बेटा अगर सारी दुनिया का इल्म लड़ा के तुझे बचाया जा सकता तो मैं तुझे बचा लेता, मैं तुझे बचा लेता। फिर सूफिया आते हैं तो बादशाह कहता है बेटा कई दिनों के चिल्ले करा के, वजीफे पढ़ा के तू बच सकता तो मैं तुझे बचा लेता। फिर बादशाह जर्नैलों का एक चक्कर लगवा के कहता बेटे अगर सारी दुनिया की ताकत लड़ा के मैं तुझे बचा सकता तो मैं अपने घर का चिराग कभी बुझने ना देता। फिर बादशाह कहता बेटे देख सारी दुनिया की हसीन औरतें तेरी कब्र के पास खड़ी हैं, अगर हुसन सारा जाया करके तू बच सकता तो मैं बचा लेता। फिर आखिर में बादशाह अपने सर से ताज उतार के हाथ में पकड़ता है और कब्र के गिर्द घूम कर रोता है, कहता है बेटा मैं फकीर हो जाता, मैं मांग के रोटी खा लेता, मैं निशानियां दे देता, बेटे मैं तेरी खातर हुकूमतें छोड़ देता, मैं किसी की मजदूरी करके रोटी खाता पर मैं तुझे मरने ना देता। फिर वो रोता है और कहता है क्या करूं, कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या करूं जो तुझे लेके गया है उसने कानून बनाया है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है, उसने कानून बनाया। और जब उसका कानून लागू होता है फिर ना मां की सिसकियां काम आती हैं, ना बाप की दुआएं, ना इल्म ना फन, फिर कोई चीज काम नहीं आती, फिर जाना पड़ता है, फिर जाना पड़ता है। बाप एक ऐसा रिश्ता होता है जो जिंदा होता है तो लगता है सर पे छत है, और जब वो रुखसत होते हैं तो लगता है छत उतर गई। मां मैं अपनी जिंदगी में ये कहा करता था कि लोग ऑक्सीजन के बगैर बच जाते हैं, मां के बगैर नहीं बचते। मेरा तजर्बा यह था, शायद 5 साल रोटी खाने को ना मिले तो जिंदगी है, पर अगर अम्मा घर में ना हो तो जिंदगी नहीं होती। फिर मुझे मेरे उस्ताद ने कहा कि बेटा मेरा दिल करता है कि आप अपनी अम्मा का जनाजा खुद पढ़ाएं। तो 2-3 दफा हिम्मत करके मैं बड़ा मसल्ले पे खड़ा होने के लिए, लेकिन फिर मैं लौट के आ गया। मैंने कहा मैंने बड़े जनाजे पढ़े और पढ़ाए हैं जिंदगी में, ये मेरे लिए वजनी है, मेरे लिए मुश्किल। हमने खुद नहीं सारी हस्तियां उठाई, हम खुद छोड़ के नहीं आए।
छोड़ के नहीं आए, सह सह जोड़ संगत दे डिठे आखर विथां पईआं। ओ जिन्हां बाज इक पल नहीं सां जींदे, फिर शकलां याद ना रहीआं। हजरत फातिमा तज़ारा रज़ी अल्लाह तआला ना घर में बैठी रो रही थी, तो मौला अली शेरे खुदा आए, कहा फातिमा तू रोती क्यों है, बस कर दे। तो कहने लगी अली मुझे सच बता, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुस्तफा करीम की कब्र पर मिट्टी डालने की, किस तरह हिम्मत हुई, सहाबा ने वो जुर्रतें कहां से इकट्ठी की कि हुजूर की कब्र अनवर हुजूर को दफन किया, नबी पाक को। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला नो दलेर आदमी थे पर फूट कर रोए, कहने लगे फातिमा तुझे क्या बताएं, हाथ कांपते थे, रूहें लरजती थी, पर रसूल के कानून की पाबंदी करना हमारी ड्यूटी थी, ड्यूटी थी। मेरे अजीज मुझे बतलाइए, आज शब कदर है, हर बंदा कहता है पता नहीं कब मर जाना है, कब जाना है। आज शाम शब कदर थी, मैंने कुछ संगियों से कहा कि सारे सोएंगे तुम न सोना, आज तुम्हारे लिए कानून मुख्तलिफ है, तुमने सफाई करनी है मस्जिद की, बंदोबस्त करने हैं, लोगों ने आना है, एक रात का इंतजाम करना है, उसकी तैयारी हो रही है। कभी कब्र वाले के सराहने जाके पूछो तो सही कि तू कितने अरसे से इस कब्र में, पूछो तो सही। और दर्जनों और बीसियों कब्रें ऐसी हैं, बीसियों कब्रें जिन पर जाके खड़ो हो तो पता लगता है कि मुद्दतें बीत गई, कोई फातिहा पढ़ने नहीं आया, मुद्दतें गुजर गई, कोई फातिहा पढ़ने। शहर खामोशा जिनको पाला पोसा था उनका भी अब वक्त नहीं निकलता। ओ मेरे भाई तेरी तैयारी है, वक्त करीब है, बच्चे बीवी मां बाप रिश्तेदार बहन भाई उनके साथ तेरा जो ताल्लुक है वो टूटने के लिए बना है, तुम्हें जाना है, तुझे यहां से उठना है और अपना अपना हिसाब अकेले देना है, अपना अपना हथी बुक्की मिट्टी पांदे हाथ नहीं लांदे डरते। मैंने एक बेटे से कहा कि अपने अब्बा जी को खुद गुसल दो, ये हक है, तो कहने लगे मुझे डर आता है, मैयत से डर आता है, हथी बुक्की मिट्टी पाते हाथ नहीं लाते डरते, जिन्हों लिये तू पाप कमाए दस कितने नहीं हो तेरे घर, ला ना बेड़े को जिसके नाम जायदाद करके आया है, बेटियों का हक छीन के, बहनों का हक छीन के, दोस्तों का हक छीन के, जकातें छोड़ के जो दी है उसको कह तेरी जगह पे हिसाब दे आ कर कब्र में खड़ा। अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है सूरह इब्राहिम के अंदर कि लोग कहेंगे कि हमारा माल लेके हमें छोड़ दिया जाए, हमारी जायदादें लेके हमें छोड़ दिया जाए, पर अर्श का मालिक कहेगा नहीं यहां वो सौदा नहीं चलता, हिसाब दे बता। ये नहीं पता था मरना है, ये खबर नहीं थी कब्र में जाना है, जिस मकान में रहते हो ना कभी पूछो वहां पहले कौन कौन रहता था, पता करो मालूमात करो कौन रहता था, टटोल कर कुरेद कर देखो कितनी लोग गुजर गए। अल्लाह फरमाता है तू आ मुझसे माफी मांग, मैं तुझे मौका देता हूं, तेरी मौत का वक्त करीब है, आ जा बार बार मांग। कहता मैंने गुनाह ही नहीं किया तो मैं काहे की माफी मांगू, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं एक दिन में 100 मरतबा माफी मांगता हूं। हुजूर माज़ अल्लाह गुनाह करते थे जो माफी मांगते थे, डट के खड़ा है, इसको निदामत का आंसू कभी नहीं आया, इसको अपने गुनाह पर रोना कभी नहीं आया, इसको कभी ये एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे अंदर कोताहियां हैं, इसे कभी मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह एक बंदे के करीब से गुजरे तो रो रहा था, फरमाया क्या हुआ, कहा हुजूर मेरे कुछ पैसे जाया हो गए, फरमाया छोड़ किस पे रो रहा है, दुनियादारी पे, कहा हुजूर फिर किस बात पे रोऊं, फरमाया रोया कर कि तेरी नमाजें पूरी नहीं, रोया कर के तेरे बाप मुर्शद और उस्ताद तुझसे पूरे राजी नहीं, रोया कर इस बात पर कि तू हुकूक पूरे नहीं अदा कर पाया, रोया करके जो तेरा मनसब था तू उसका हक नहीं अदा कर सका। वो कहने लगा हुजूर मैं कोशिश करता हूं मुझे इस बात पर रोना आता ही नहीं, तो आप फरमाने लगे चल फिर इसी पे रो ले कि तुझे अल्लाह की बारगाह में रोना ही नहीं आता, इस पे रो, ये थोड़ी रोने की बात है कि छोटी सी दुनियादारी के लिए तू तड़प उठता है, सिसकता है, आहें भरता है, और तुझे उस मालिक के लिए रोना है, फिर इस पे रो ले,
یہ بھی تو مقام رونا ہے، رو اپنی سعادت پہ، یہ خیال ہی نہیں کبھی آیا۔ تو پھوٹ پھوٹ کے روتا ہے دنیا داری کے لیے، مال و دولت کے لیے، جاہ و منصب کے لیے، اس پہ رویا کر کہ تجھے یہ خیال ہی نہیں کہ میں نے جانا ہے میرے مصطفیٰ کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو حسن، جو رنگ، جو انداز اپنے غلاموں کو دیا تھا، اس انداز کو سمجھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرما تھے، مولا علی شیر خدا تشریف فرما تھے، حضرت ابو ہریرہ تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق کا دور خلافت تھا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پانی تو لانا، پیاس لگی ہے پانی تو لانا۔ تو خلیفہ تھے، امیر تھے، ذاتی طور پہ بڑے مالدار تھے، ایک ساتھ ٹھنڈا دودھ لے کے آئے، کہا حضور دل کرتا ہے اب دودھ پی لے پانی کی جگہ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے دودھ پکڑا، منہ کے قریب کیا تو آنکھوں سے آنسو برس پڑے، تڑپ اٹھے، روئے، حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے جس رسول سے سوال نہیں ہونا تھا انہوں نے تو اتنی نعمتیں استعمال نہیں کی، ابو بکر تو سوال ہونا ہے، اس سے تو پوچھا جانا ہے نعمتوں کے بارے میں، میں لے جاؤ دودھ نہیں مجھے پانی دو، پتہ نہیں میں کتنا وقت میرا باقی ہے تو میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا۔ احساس تھا یار چلو کبھی کبھی صحیح، یہ احساس پیدا تو ہونا چاہیے نا کہ میں سویرے سے لے کر شام تک جب میں سوتا ہوں تو سوچ کے، جب بندہ سوتا ہے تو کوئی سوچ ہوتی ہے اس کے ذہن میں، کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوتا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے میں سوتے ہوئے کیا سوچتا ہوں، آپ کو بھی پتا ہے۔ اور جب سویرے پہلی دفعہ آنکھ کھلتی ہے تو پھر بھی کچھ سوچ ہوتی ہے بندے کے ذہن میں، مجھے بھی پتا ہے میں جب اٹھتا ہوں تو سوچ کیا ہوتی ہے، تو آپ کو بھی پتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کرتے تھے کہ جب سونے لگو تو یہ سوچ کے سویا کرو کہ پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، ایمان کی تجدید کر کے، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر کے میں نہ اٹھا تو میرا حساب آسان کرنا، معافی مانگ کے سویا کرو، اور جب سو کے اٹھو تو یہ سوچا کرو کہ اس نے مہربانی کی ہے، مجھے ایک موقع اور دیا ہے زندہ رہنے کا، نیند موت کی بہن ہے۔ اللہم باسمی کاموت واحیا، حضور نے فرمایا جب سونے لگو تو کہا کرو کہ اے اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہوتا ہوں اور تیرے نام پہ مرتا ہوں، نیند موت ہے، اسی طرح ایک دن سو جاؤ گے، پکے سو جاؤ گے۔ بھائیو شب قدر ہے، یہ تو معافی مانگنے کی رات ہے، پر میں تو اب یہ سوال پوچھتا ہوں کہ گناہگار ہی کوئی نہیں تو معافی کون مانگے گا؟ ہم نے تو اپنی زندگی پر بہانوں کا، ہیلوں کا، جھوٹ کا، ملمہ سازی کا ایسا ورق چڑھایا ہے چاندی کا کہ ہم تو سارے نیکوکار پرہیزگار لوگ ہیں، اللہ ماشاء احساس ہی نہیں ہے۔ تو جس بندے کو یہ احساس ہی نہیں کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، معافی کس چیز کی مانگے گا؟ تو پیغام یہ ہے کہ پہلے تو یہ احساس پیدا کریں کہ کچھ کوتاہیاں ہیں، اور جب یہ احساس پیدا ہو تو پھر یہ سمجھ لیں کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے، اور جب حساب اپنا اپنا دینا ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لیں کہ موت کے وقت کا ہمیں پتہ نہیں، تو اس کا معنی یہ نہیں کہ موت کا وقت مقرر نہیں، وہ اپنے وقت پہ بہرحال وہ آ جائے گی، آئے گی اور لے جائے گی۔ اور باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ واعظ ہے، نصیحت ہے، گفتگو ہے، وہ ہم روز سنتے ہیں، سنانے والے بھی روز سناتے ہیں، بلکہ اب تو ایک اور بات بھی ہمیں کچھ عرصے سے سننے کو ملی ہے، کہتے ہیں جی کوئی نئی بات سنائیں، کیا کریں، کہاں سے نئی بات سنائیں، قرآن بھی پرانا، حدیث بھی پرانی، نئی بات، کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں انہوں نے سنائی۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ پرانی پہ عمل ہو گیا ہے، اگر پرانی پہ عمل ہو گیا ہے تو پھر نہیں سنا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جو کوئی آیت سنتے تھے نا تو گھر جا کے اس پہ عمل شروع کرتے تھے، پھر نہیں سنتے تھے۔ اب تقریریں اور واضح جب ہم کہتے ہیں نا نئی بات سنائیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سرور لینا چاہ رہے ہیں، کان کا ذائقہ لینا چاہ رہے ہیں، عمل کرنے کے لیے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا تھا حضور میں نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں تو کچھ بتائیں، تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کا لفظ ہی کافی ہے، موت کا لفظ
दाऊद ताई के पास हारून रशीद ने जाके पूछा था कि हजरत कोई नसीहत करें, तो फरमाने लगे तेरा बाप कहां रहता है? तो हारून रशीद कहने लगे बगदाद के कब्रिस्तान में। तो कहा तेरी अम्मा का वहीं है। बीवी बच्चे का जो रुख्सत हो गए, बहन भाई वो भी सारे वहीं हैं। तो फरमाने लगे तूने इतने जनाजे पड़े हैं, इतने लोग उठाए हैं, मैं तुझे क्या नसीहत करूं, मैं तुझे क्या नसीहत करूं? मेरे भाई अपने ऊपर इस एहसास को तारी करें, इस एहसास को। हमारे जमाने में हमारा ये मिजाज हो गया है कि हमने दूसरों की इसलाह का बेड़ा उठा लिया, हम लोगों की इसलाह करने निकल खड़े हो। हर आदमी सामने वाले से नुक्स निकाल के अपनी खूबियां बयान कर रहा है और कह रहा है कि सामने वाला सियाणा हो जाए। बल्कि मैं ये कहा करता हूं कि अब लोगों को अपनी दुनिया की और दूसरों के दीन की बड़ी फिक्र है। दूसरों को लोग पैगाम देते हैं कुछ रायत कर जा, मरना भी है, कब्र में भी जाना है, तो भाई तू भी कुछ थोड़ा सा सियाणा हो जा, तूने भी मरना है। अब दूसरों को कुरान हदीस रह गया है अपने नफे के लिए इस्तेमाल करने को, कि किसी को जब कायल करना हो तो उसको कहा कि एक साहब ने कहा मुझसे एक दफा के मस्जिद खुल जाएगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कसम एक है उसके लिए मस्जिद आना है। तो मैंने कहा इस काम के लिए मस्जिद नहीं खोलते, मस्जिदें तो नमाज पढ़ने के लिए हैं कि हमारे जाती फैसले दुनियादारी के कसमें उठाने के लिए। या तो दीन नाफज करो ना, तो फिर दीन के मुताबिक फैसला कर लो। मस्जिदें इसलिए रह गई हैं कि चलो चल मस्जिद बाड़ मसीते दे साहब, इस काम के लिए मस्जिद है। एहसास पैदा करें, ये ख्याल पैदा करें कि दुनिया से जाना है। अपने तसव्वुरात को समेटें यार, ये जो हमें टेंशन है ना कि ये भी नेक नहीं, ये भी नेक नहीं, वो भी नेक नहीं, तो चलो मैं भी नहीं, तो इसने अपना हिसाब देना, इसने अपना और उसने अपना और मैंने अपना, अभी सारे खराब हैं तो मैं कैसे सही हो जाऊं? तो मेरा भाई कोई पता नहीं, सारे सौ सौ साल जिए और तू अगले साल भी जिंदा ना रहे। अपनी फिक्र करें, अपने ऊपर जद्दोजहद करें। दूसरे को तबलीग करना वाजिबात दीन में से है, लेकिन पहले अमल करना फराइज में से है। अपनी तबीयतों को रूहों को बेदार करें, अल्लाह की बारगाह में इल्तजा करें। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अगर तुझे गुनाहों का एहसास नहीं तो ये भी एक गुनाह है, अगर तू अपनी गलती को गलती नहीं मानता फिर तू सबसे बड़ा मुजरम है। अपनी कोताहियां अपनी आंखों के सामने रखें। आज शब कदर है, इतनी फजीलत बयान की मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक इस रात नजूले दुनिया पर इजलाल फरमाता है पहले आसमान पर, और कहता है आज जो भी बख्शिश मांगेगा मैं उसे बख्शूंगा, जो बख्शिश मांगेगा मैं उसे। या अल्लाह तू बगैर मांगने से बख्श दे, उसे नहीं पता बख्शिश मांगनी है, पर अल्लाह कहता है तू मांग मुझसे, तू बख्शिश ऐसे मैं बख्शूंगा। उसने कानून बना दिया है, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई नहीं बख्श देगा। वो कहता है तू मुझसे मांग पहले, आके सवाल कर, तू सवाल करेगा तो मैं तुझे बख्शूंगा। तो बख्शिश मांगने से अल्लाह माफ करता है, एक बात ये जहन में रखें कि बख्शिश मांगनी। दूसरा मेरे भाई इस तसव्वुर को पक्का करें अपनी तबीयत में कि तौबा वो बंदा करे जो तौबा की शरायत को समझता है। एक तो महसूस करे कि मुझसे गलती हुई है और फलां गुनाह है जो रोज मुझसे होता है, एक तो उसका एहसास पैदा करे, और दूसरा ये ख्याल करे कि मैं तौबा कर रहा हूं कि मैं काम आज के बाद नहीं करूंगा। तौबा का मतलब क्या होता है? काम मैं आज के बाद, बोलिए, ये कोई मतलब नहीं कि एक बंदा कहे आज मैंने रोना है जी मस्जिद जाके, सारी रात रोना है, तो सवेरे क्या करना है, बदलना है कि नहीं? कहते नहीं, मैंने उसी तरह से कम नापना है, कम तोलना है, झूठ बोलना है, बदी करनी है, धोखा करना है, ये तौबा नहीं है, ये उसने रस्म अदा की है। तौबा ये है कि तू अल्लाह की बारगाह में, हाँ ये अलग बात है कि सवेरे नफ्स ने फिर बरगला दिया, शैतान के हत्थे चढ़ गया, लेकिन जिसका प्रोग्राम ये हो कि चलो आज शब कदर है, तो ये फिर रस्म अदा की, उसने लफ्जों के गोरख धंधे में उलझा रहा है, तो मफाहीम मानी और रूह तक नहीं पहुंच सका, रूह तक जाने की कोशिश करें अपने गुनाह। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला ले फरमाते हैं कि तेरी तौबा तब है कि जब जिस गुनाह से तू तौबा कर रहा है ना, सवेरे फिर बंदा कोई तुझे उस गुनाह में दोबारा मुबतला ना देखे, रस्म ना अदा करना, झूठ ना बोलना। एक तो एहसास पैदा कर, सचमुच
मैं कहा करता हूं कि अल्लाह से रिजक भी मांगे, शोहरत इज्जत दौलत भी मांगे, लेकिन शब बरात और शब कदर की रात सिर्फ उससे बख्शिश का सवाल करें और एहसास ये पैदा करें कि अल्लाह तू मुझे बख्श दे। ये तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, सारी रातें तो हम जागते नहीं, कभी कभी जागते हैं, बेदार रहते हैं, तो जो बेदारी के रातें हों फिर सही तरीके से बेदार रहना चाहिए। तवज्जो हटा के हर चीज से, छोड़ छाड़ जबर करो। हज़रत अबू बकर फरमाया करते थे कि अगर तुझे रोना नहीं आता तो रोने जैसा मुंह ही बना ले, अच्छों की नकल भी अच्छी हो, शक्ल ही बना ले इस तरह की जो उसकी बारगाह में पेश होने वाली हो, रस्म नहीं अदा करें। आखिर ना मैं भज मसीह तीवड़िया, ना तस्बा